मंगलवार, अक्टूबर 16। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने पत्रकार प्रिया रमानी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया है। रमानी उन 12 महिलाओं में सबसे पहली हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए। रविवार को रमानी ने कहा था कि अकबर के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं है, हम में से कोई भी उनकी तरह राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं रखता, हम अपनी निजी और पेशेवर जिंदगी को दांव पर रख के आवाज उठा रहे हैं। राज्य मंत्री का प्रतिनिधित्व प्रमुख लॉ फर्म करंजवाला एंड कंपनी कर रहा है। राज्य मंत्री के इस कदम से ये बहस फिर छिड़ गई है कि आपराधिक मानहानि कानून किस तरह फ्री स्पीच पर भयावह असर डालता है। सत्ताधारी लोग असहज तथ्य पेश करने वाले लोगों को चुप कराने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने बिशप फ्रैंको मुलक्कल को सशर्त जमानत दे दी है। मुलक्कल पर केरल की एक नन से कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। मुलक्कल को केरल में घुसने की इजाजत नहीं है, वे राज्य में तभी प्रवेश कर सकते हैं जब मामले की जांच करने वाले अधिकारी के समक्ष उन्हें उपस्थित होना हो। मुलक्कल जो जलंधर क्षेत्र के धर्माध्यक्ष थे, उनको चर्च का समर्थन है। सोमवार को उनके समर्थन में एक जुलूस और प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई। सेना के 7 लोग जिनमें एक मेजर जनरल भी शामिल हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उन्हें तिनसुकिया में 5 छात्र कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोपी ठहराया गया है। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के 5 छात्र नेताओं को 1994 में एक चाय संपत्ति कार्यकारी की हत्या के बाद 18 पंजाब रेजिमेंट ने उठाया था और फेक एनकाउंटर में मार गिराया था। उस समय के असम स्टूडेंट्स यूनियन उपाध्यक्ष और वर्तमान बीजेपी नेता जगदीश भुयान ने उच्च न्यायालय में इस मामले को आगे बढ़ाया, जिसके बाद सीबीआई जांच हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि 5 छात्रों को गोली मारने से पहले टॉर्चर किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी या NIA के मुताबिक कथित तौर पर हरियाणा के पलवल जिले में एक मस्जिद को मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हफीज सईद के आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा से प्राप्त धनराशि से बनाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार लाहौर स्थित फलाह ए इंसानियत फाउंडेशन वो NGO है जो हाफिज सईद की पार्टी जमात उद दावा ने स्थापित किया था। जमात उद दावा लश्कर की मूल संस्था है। मस्जिद के इमाम समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि यमन में 13 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं और ये देश सदी के सबसे बड़े अकाल की ओर बढ़ रहा है। अरब दुनिया का सबसे गरीब देश यमन हूथी बागी संघ और यमन सरकार के बीच 3 साल से चल रहे सिविल वॉर में उलझा हुआ है। ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस द्वारा समर्थित सऊदी अरब भी आधिकारिक तौर से अब इस युद्ध में शामिल हो चुका है। तब से निरंतर हवाई हमलों, गोलीबारी से सप्लाई मार्गों को बंद करने से हूती बेस कमजोर हुआ है, लेकिन साथ ही साथ स्थायी लोगों पर भी काफी गंभीर असर पड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन योजना ग्रेटेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप लॉन्च कर दिया गया है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि वायु गुणवत्ता सूचकांक फिलहाल पुअर यानी खराब श्रेणी में है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वायु प्रदूषण की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। प्रतिक्रियाओं के पालन द्वारा किसी भी आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखा जा सकेगा या किसी भी अनचाही स्थिति से बचा जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में डीजल जनरेटर पर प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली के बाहर NCR क्षेत्र में प्रतिबंध लागू नहीं किया जाएगा। सुनीता नारायण, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी की सदस्य हैं और ग्रैप का जिम्मा भी संभालती हैं, उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि राजधानी दिल्ली के बाहर जनरेटर प्रतिबंधित करना बहुत कठिन होगा क्योंकि उन क्षेत्रों में आज भी बिजली कटौती की समस्या है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के पुअर श्रेणी में होने पर अन्य उपाय भी शामिल हैं। ज्यादा यातायात वाली सड़कों पर समय समय पर मशीन द्वारा सफाई और कच्ची सड़कों पर हर 2 दिन में पानी का छिड़काव किया जाएगा। जाहिर तौर पर प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को रोका जाएगा या उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
नगर आयुक्त लैंडफिल और अन्य स्थानों में कचरा जलाना प्रतिबंधित होगा। तब क्या किया जाएगा जब वायु गुणवत्ता का स्तर वेरी पुअर अर्थात बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच जाए। PM2.5 पर्टिकुलेट कण इंसानी बाल की तुलना में 30 गुना ज्यादा बारीक होता है। ये कण हवा द्वारा फेफड़ों में जा सकते हैं। इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और श्वसन रोग हो सकते हैं। ये कण स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। इससे बचने के लिए पार्किंग शुल्क को 3-4 गुना बढ़ाया जाएगा। होटल और खुले भोजनालयों में कोयले या फायरवुड का उपयोग बंद कराया जाएगा। रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और घर मालिकों को सर्दियों के दौरान चौकीदार और बाकी कर्मियों को इलेक्ट्रिक हीटर प्रदान करने के लिए कहा जाएगा, जिससे कि वे खुले में आग ना जलाएं। समाचार पत्र, टीवी, रेडियो में अलर्ट जारी किया जाएगा कि श्वसन व हृदय रोगी प्रदूषित क्षेत्रों से बचें और बाहर ना निकलें। गंभीर श्रेणी में पहुंचने पर ईंट भट्टियां, हॉट मिक्स प्लांट, पत्थर काटने वाली मशीनें इत्यादि बंद कराई जाएंगी। NCR में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के संचालन को कम करने के लिए पदरपुर पावर प्लांट बंद कराया जाएगा और मौजूदा प्राकृतिक गैस आधारित प्लांट से बिजली उत्पादन बढ़ाया जाएगा। गंभीर या आपातकालीन स्थिति में दिल्ली में ट्रक यातायात के प्रवेश को रोका जाएगा। निर्माण गतिविधियों पर रोक लगेगी। लाइसेंस प्लेट नंबरों के आधार पर निजी वाहनों के लिए ऑड व इवन योजना को लागू किया जाएगा एवं उन्हें छूट देने की संभावना कम की जाएगी। टास्क फोर्स को निर्धारित करना होगा कि जरूरत पड़ने पर स्कूल बंद किए जाएं या अतिरिक्त कदम उठाए जाएं। और अंत में, ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए जब अपराधी का पीछा करते समय आपकी बंदूक जाम हो जाए। ऐसे समय में चिल्लाइए, यकीन मानिए। अपराधियों को डराने के लिए संभल UP के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने यही किया।